पहुंच रहे हैं हम यहाँ। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, हम सब भी बहुत अच्छे हैं, सुबह भी बहुत अच्छी है। आज तो यहाँ पे देखो सफ़ेद वाले पक्षी आए हुए हैं। और कान्हा का आज है टेस्ट, तो वो जा रहा है स्कूल। आज हम उसको स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि कल ना वो स्कूल से आते टाइम ना गिर गया, उसके यहाँ पर लग गई और फिर नाक में से ब्लड भी निकल रहा था। तो मैंने कहा इसको छोड़ के आते हैं हम लोग, वो आ गया है बोरा। तो चलिए गाइस, बच्चों को छोड़ के आते हैं। अभी तो कोई बच्चा भी नहीं आया रास्ते में। गाइस घर की तरफ जा रहे हैं, कान्हा को हमने स्कूल में छोड़ दिया है। ये देखो ये डॉगी के बच्चे कैसे खेल रहे हैं। ये चले गए अंदर। गाइस आ गए हैं घर पे कान्हा को छोड़ के। दूध नहीं था, कल दूध लेके आए क्योंकि दूध वाला आके चला हो गया होगा। हम आए रात को 11 बजे तक घर पे पहुंचे थे। ओहो, तो दूध नहीं था, अभी लेके आए हैं। तो चलिए चाय बनाते हैं। अब नाश्ता, ये टाइम हो गया है, तो चलिए नाश्ता करते हैं। तो गाइस अब हम दोनों जा रहे हैं कुछ काम से मार्केट में। चलो फिर मिलते हैं मार्केट में। कुछ काम नहीं, काम तो दो है, दो तीन है, बट बड़ा काम ये है। देखो अभी दिखाती हूँ आप। आज सुबह चैन वाले को दी चैन बनाने के लिए, चैन की बजाय उसने पैंटी फाड़ डाली। अब इसको टेलर के पास देना पड़ेगा क्योंकि मेरे बस की तो है नहीं, फिर इसका धागा वागा सब लगेगा। और ये चैन भी दूसरी लगवाते हैं इसको, अभी इसको लेके चलना है। गाइस टेलर की दुकान तो बंद है। गाइस इसकी पैंट दे दी है, रोड अभी तक बनी नहीं है, इस रोड में जाने में लग रहा है डर। कल ये खुशी को छोड़ने के लिए गए थे ना सुबह, तो पता है क्या, वो आते टाइम इनका पटायर हो गया पंचर। मैं बोलूँ भगवान ही आए नहीं घर पे, इतनी देर हो गई, इतनी देर तो लगती नहीं है। फिर जब घर आए तो बताया भाई 300 रुपये का टीका लग गया। 300 रुपये लग गए पंचर बनाने में। खुशी की फ़ोन के लीड लेने आए हैं गाइस। ये फोन की स्क्रीन से देखो, खुशी के लिए एक पेन का पैकेट लिया है, उसके एग्जाम है ना, तो पेन खत्म हो गए। ये कहाँ चले गए? ये देखो कितना बड़ा ट्रक आ रहा है, मुड़ा भी नहीं जा रहा इससे। तो ये देखो कैसे निकाल रहा है यहाँ से वहाँ तक है। इसमें कार वगैरह जाती है ना वैसे? हाँ कार का ही है। अरे बच्चो इतना सा सामान लेके आए थे, ठीक है चार्ज हो रहा है इससे? हाँ हाँ चार्ज हो रहा है। दोस्तों मैं जा रहा हूँ आज शादी में दिल्ली, जहाँ कल शादी कल पार्टी करके आए, आज अब शादी में जा रहे हैं। बराती? हाँ बराती बन से। अच्छा। चलो चलते, बच्चे तो आ नहीं रहे। हाँ और अब मैं ले जा नहीं रहे बाबू, ये तुम्हारे हैं टेस्ट। पढ़ाई क्या करोगे तुम? वहाँ की बारात की वीडियो दिखाना, ठीक है? ओके गाइज, ये चले गए हैं आज बराती, क्योंकि आज जानी है बारात। कल थी मेहंदी की रात, तो हम लोग सब गए थे। कान्हा और खुशी ने एग्ज़ाम दे दिया था, उसके बाद हम शाम के टाइम गए थे। और आज था कान्हा का एग्ज़ाम इंग्लिश का, तो हमको आना पड़ा रात ही, इसलिए हम 11 बजे तक आए थे। और हम कैसे जाएं बताओ, मंडे को है कान्हे के 2 एग्ज़ाम, तो उसको लर्न तो करना पड़ेगा। एक होता ना तो भी चल जाता, कर लेता हूँ जैसे तैसे, आज जाते फिर रात को आ जाते। बट वही है, 2 एग्ज़ाम है, तो याद तो करना ना भाई। पहले तो पढ़ाई है, शादी तो होती ही है, फिर अब क्या करें, चाहे अपनों की है या फिर और रिश्तेदारों की है, तो क्या कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, आपका मनोरंजन बरकरार रखेंगे, क्योंकि ये बोले थे मैं वहाँ जाऊँगा तो सारी वीडियो क्लिप मैं व्यूअर्स को ज़रूर दिखाऊँगा, तो वेट करते हैं, है ना? तो गाइस मैं आया हूँ प्रदूषण जाँच केंद्र पर। अब ये गाड़ी दिल्ली जा रही है तो पर्ची तो बनाना ही पड़ेगा। गाइज मैं पहुंच गया हूँ, घोड़ा भी आ गया है यहाँ पे। अब बारात चालू हो रही है, ये पहाड़ी बैंड बाजा, कुमाऊनी बैंड बाजा। जाने के लिए
अब पहुंच रहे हैं हम यहाँ। अब आ गए हम शादी के हॉल में। जो लड़के वाले हैं वो बंगाली हैं, इसलिए बंगाली स्वीटी मिस्ती दो ही आप दे। ये बंगालियों का रीति रिवाज है